तो अभी हो रहा है शाम का टाइम, और ये देख सकते हैं आप। और वो रही अपनी फेवरेट गाड़ी जीप। सो गाइस, अभी चलते हैं नीचे और अपनी निकालते हैं जीप को, क्योंकि उसको साफ आफ भी करना है, बहुत टाइम से खड़ी हुई है। सो गाइस, दिस इज हर्षित परमार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वाली जो गाड़ी है अपनी महिंद्रा जीप, ये अपन ने मॉडिफाई करवाई थी। और अभी क्या आप लोगों को अंकल का पता ही है, तो जब से अंकल की हालत ख़राब हुई थी, मतलब उनको जो इलाज वलाज करवा रहे थे हम, तब से गाड़ी खड़ी हुई थी। तो अभी इसको अपन निकाल तो लिए हमने दोनों तीनों भाइयों ने, तो अभी इसको थोड़ा साफ वाफ करेंगे। और मैं इस गाड़ी के बारे में और भी आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा चैनल पे, स्टे ट्यून्ड। सो रेडी फॉर द बीस्ट। तो ये रही अपनी जीप महिंद्रा। बेकार आवाज है, वो लगाने का फायदा नहीं। वो अलग लगाएंगे एग्जॉस्ट इसमें। इसका साउंड आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताना, ये इन दोनों भाई ने जुगाड़ किया हुआ है या फिर चेंज करेंगे। सो गाइस, अभी बैठते हैं, फिर करते हैं आपसे बात। अच्छा चढ़ा हुआ इधर, करते हैं स्टार्ट। तो ये जो गाड़ी है, तो ये जो जीप है मेरे अंकल की है, ये उन्होंने मॉडिफाई कराई थी अराउंड, इसको 4-5 साल हो चुके हैं। तो उनको भी मतलब गाड़ियों का काफ़ी क्रेज था, कि यार उनका भी मन भी था कि स्कॉर्पियो में लेके आऊँ, पर अभी ऐसा हो गया एकदम। आप में से बहुत से लोगों को पता है, और जिनको नहीं पता तो मैं बताना चाहता हूँ कि अंकल शांत हो गए हैं अभी 1 महीने पहले। तो उनके लिए भी मैंने डेडिकेट एक वीडियो यूट्यूब पर अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। बाकी अभी तो इसकी हालत थोड़ी डाउन है, 3 महीने से रखी हुई थी, तो अभी इसको थोड़ा साफ वाफ भी करना है और इसको अच्छा थोड़ा वाश वाश करते हैं, कंप्लीट करते हैं। बाकी स्टार्ट तो ये हो नहीं पाएगी, इसकी ये जो शॉफ्ट है, ये देखिए आप, ये इसका गियर रहता है, इसके नीचे की शाफ्ट है वो डैमेज हो गई है। बाकी ये ओल्ड मॉडल महिंद्रा है, ये 1998 के अराउंड का मॉडल है, जो थार आती है, थार आप सबने देखी होगी, नया वर्जन जो आया। तो ये जो गाड़ी है ये थार के दादाजी है, क्योंकि थार का भी एक वर्जन आया था इससे पहले वाला, वो अपन मानते हैं कि चलो वो जीप के लड़के हैं, जीप का लड़का है, तो ये उनका पोता है, थर्ड जनरेशन हो गई नई थार वाली। अभी ये गंदी भी काफ़ी हो रही, तो इसको थोड़ा साफ वाफ करते हैं। बाकी कल अपने यहाँ पे मतलब ऐसा नल आते हैं गांव में, तो जब पानी आएगा उस टाइम पे इसको वॉश करेंगे। अभी तो नॉर्मल पानी से वॉश नहीं हो पाएगी, क्योंकि काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है, तब से रखी हुई थी, तो
सब जगह से इसको प्रेशर से ही धोना पड़ेगा, ऐसे तो वॉश नहीं हो पाएगी ये। सो करते हैं अभी इसको साफ और अब इंजॉय करना सिनेमेटिक्स वगैरह भी। मैं भी शूट कर रहा हूँ, वो भी अपलोड कर दूँगा। सो ये गाड़ी भी अभी 3 महीने से खड़ी हुई थी, अप्रैल में मतलब जब अंकल बीमार हुए थे तब से हमने ये गाड़ी नहीं निकाली। और उन्होंने क्या अपने जो जेसीबी और डंपर है जो कंस्ट्रक्शन मतलब उनका चाचा का काम था अलग ही, तो उनने इसकी जो बैटरी थी वो डंपर में लगा दी, तो तब से गाड़ी खड़ी हुई थी। और उसके बाद इसकी शॉफ्ट भी, दोनों भाई चलाते थे मेरे छोटे वाले अक्षत आदित्य, तो इसकी शॉफ्ट ख़राब हो गई थी तब से गाड़ी खड़ी हुई है। तब इसका थोड़ा काम वाम भी करवाना पड़ेगा। और उनका मन था कि ये सीज़न हो जाता है जैसे मई और जून के टाइम पे अंकल जो करते थे काम वगैरह रोड के चलाते थे जैसे भी डंपर्स वगैरह चलवाते थे वो, तो उस टाइम पे सीज़न रहता। उसके बाद उन्होंने सोचा था कि इसको पंजाब जाके और मॉडिफाई करवाएंगे, ये जो इसके स्टेयरिंग वगैरह है सब लोकल है, तो उनका मन था कि पावर स्टेयरिंग पावर ब्रेक्स वगैरह करवाते, पर वो चीज़ भी अभी हो नहीं पाई। तो इसको भी अपन बेचेंगे तो नहीं यार, क्योंकि इस जो गाड़ी है इससे अपनी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। और इसको भी मतलब क्या अपन कह सकते हैं कि एक जो निशानी होती है वही बन के रह गई है अंकल की, कि लोगों के पास दूसरी निशानियाँ होती है, अपने पास है गाड़ी। और उन्होंने ये अभी ये सीट कवर वगैरह लगवाए थे, मतलब बहुत सारे छोटे मोटे काम करवाते थे, लेकिन अभी आप देख सकते हो कलर, यहाँ का जो कलर वगैरह है निकल चुका है, तो ये सब भी अपन कंप्लीट करवाएंगे। थोड़ा टाइम तो लगेगा पर देखते हैं अभी, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम वगैरह आने वाले हैं, उसके बाद देखेंगे 1-2 महीने बाद इसको और कम्प्लीट करवाएंगे, बैटरी लगाएंगे। शाफ्ट का थोड़ा बहुत काम है, ज़्यादा कुछ खर्चा वगैरह होगा नहीं, पर ये कम्प्लीट हो जाएगी। और बाकी अपन जो सोच रहे हैं एक्स्ट्रा मॉडिफाई का वो बाद में देखेंगे। सो आप में से बहुत सारे लोगों ने जीप तो देखी होगी, और जिन्होंने देखी तो ये अपनी गाड़ी है महिंद्रा थार ओल्ड मॉडल, इसको अपन ने मॉडिफाई करवाई है। बाकी आई होप आप सबको ये गाड़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पे काफ़ी टाइम से बने हुए हैं वो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और भी रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, सी यू सून।